सो अभी रिसेंटली जो है मैंने ओप्पो एंको A3 जो है वो ट्राई किया था, मैं उसकी क्वालिटी से जो है वो काफी सरप्राइज भी हुआ था एंड जान के अच्छा लगा कि अब इतनी कम प्राइस में भी जो है डिसेंट रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। हालांकि उससे भी ज्यादा सरप्राइज जो मैं इस नए OnePlus Nord Buds 2 से जो हुआ हूँ, मैं लगभग 2-3 दिन से जो है इसे टेस्ट कर रहा हूँ एंड मुझे ये 3000 रुपीज की प्राइस में काफी प्रॉमिसिंग जो है वो लगा। हालांकि इतनी कम प्राइस में आपको ANC एंड एक लार्ज ड्राइवर सेटअप जो है मिलता है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज भी जो है इसमें है। जल्दी से इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड एक क्विक कंपैरिजन जो है वो देख लेते हैं ताकि अगर आपको अंडर 5000 रुपीज कोई TWS ईयरबड खरीदना है तो वो आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। सो बुक्स कंटेंट में वही सारी चीजें हैं जो हर TWS के साथ जो है वो मिलती है, तो इस पे यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो फर्स्ट थिंग जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। सच में लुक वाइज ये TWS जो है काफी यूनिक एंड प्रीमियम जो है वो दिखता है, इवन कुछ हाई एंड प्रीमियम TWS से भी ज्यादा जो है ये अच्छा दिखता है एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है एंड वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही जो है वो फील हो जाती है। इवन आप इसकी जो है लीड ओपन एंड क्लोज करोगे तभी आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का जो है वो एहसास हो जाएगा। चार्जिंग केस हो या ईयरबड दोनों की डिजाइन एंड बिल्ड कमाल की है। चार्जिंग केस एंड ईयरबड दोनों में जो है आपको एक ग्रेनाइट स्टोन टाइप मैट फिनिशिंग जो है ऊपर मिलती है जो दिखने में तो अच्छी लगती है बट टच करने में भी जो है एक अलग सा प्रीमियम फील जो है वो ऑफर कर देती है। सो नो डाउट कि अभी अंडर 5000 रुपीज इससे ज्यादा प्रीमियम लुकिंग कोई और TWS मार्केट में नहीं है। जो नया एंको A3 है उसकी भी डिजाइन अच्छी है बट ये थोड़ा ज्यादा अच्छा फील जो है वो देता है एंड इसकी यूनिक डिजाइन एंड बिल्ड यूजर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा जो है वो प्रोवाइड करती है। चार्जिंग केस काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट है तो स्किनी जींस में भी आप जो है इसे इजीली डे टू डे यूज में कैरी कर पाओगे एंड अगर आप इसे बैग में कैरी करते हो तो डोंट वरी, इसकी जो लीड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है यानी कि चार्जिंग बॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी प्रेशर आएगा ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप इसे इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट में काउंट कर सकते हो जो वैसे इस प्राइस रेंज में वैसे काफी रेयर है। अब कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट इसका डिसेंट है या फिर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट एट द सेम टाइम खराब भी नहीं है। Realme A3, Oppo Enco A3 या फिर OnePlus Buds Z2 है उतना ज्यादा ये कंफर्टेबल नहीं है बट ठीक है। अब रिसेंटली हमने जो JBL Wavebeam ट्राई किया था उससे तो ये कंफर्टेबल ही है। इसका A3 वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, जिस वजह से अगर आपकी एयर साइज जो है वो छोटी है तो इस वजह से आपको ये उतना कंफर्टेबल नहीं लग सकता एंड थोड़ा लूज भी जो है आपको फील ये देगा। बट अगर आपकी एयर साइज जो है वो मीडियम है या फिर लार्ज है तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। तो यस, कंफर्ट वाइज ये TWS जो है वो एवरेज है, बाकी यूज करने में ये कंफर्टेबल है। टच एरिया जो है इसका काफी इजीली जो है एक्सेस हो सकता है, टच काफी रिस्पॉन्सिव है तो यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। कनेक्टिविटी वाइज भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट के साथ ये आता है तो 2 डेज के टेस्टिंग में मुझे इसमें कोई भी कनेक्टिविटी एंड रेंज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हाँ, एक बात जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, इसमें आपको ड्यूल पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है जो कि होना चाहिए था। बाकी गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट भी इसमें नहीं मिलता है, OnePlus फास्ट पेयर का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है जो सिर्फ OnePlus के फोन में ही चलेगा। बाकी अगेन OnePlus फोन है तो सारे सेटिंग इसके आपके ब्लूटूथ सेटिंग के पेज में ही मिल जाएंगे बट अगर दूसरे ब्रांड के फोन है तो ANC एंड दूसरे सेटिंग एक्सेस करने के लिए आपको Hey Melody ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होगी, एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के लिए जो है अवेलेबल है। वहीं से आप इसका जो है ANC है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो एंड उसके साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी जो है इसमें मिलता है, ठीक ठाक है बट है। ANC की बात करें तो अप टू 25 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है ये ऑफर करता है। अब प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ANC जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पे एड ऑन है इसमें, बट रियल वर्ल्ड में अप टू 25 dB ANC कुछ ज्यादा इफेक्टिव जो है वो नहीं होता। हाँ वो है, वो अच्छी बात है बट सिर्फ ANC के लिए इसे खरीदना वो सही डिसीजन जो है वो नहीं होगा, यानी कि मैं ANC के लिए तो ज्यादा पे यहाँ पे नहीं करूंगा। नॉर्मल यूज में अगर आप कार या फिर फ्लाइट से ज्यादा जो है ट्रैवल करते हो तो आपको उसमें ANC से थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिल जाएगी बट आउटडोर यूज में इंडियन एनवायरनमेंट में इससे कोई ज्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगी। इवन घर का जो फैन होता है अगर वो 4-5 पे चल रहा है तो वो भी ये पूरी तरह से कट नहीं कर पाएगा। तो यस, ANC होना अच्छी बात है बट बहुत ज्यादा यहाँ पे तारीफ करने लायक जो है वो नहीं है। बाकी इसके अलावा 3 और सेटिंग के ऑप्शन जो आपको इसमें मिलते हैं, एक तो है कस्टम इक्विलाइजर, आपको प्रीसेट 4 मोड मिलते हैं जिसमें से डिफॉल्ट एंड बोल्ड सबसे जो है वो अच्छे है। कस्टम मोड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है तो आप अपने हिसाब से भी जो है इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इंडियन बेस लवर के लिए जो है एक अलग से बेस मोड जो है इसमें दिया है एंड प्रीवियस OnePlus TWS की तरह बेस वेव का ऑप्शन भी इसमें जो आपको मिलता है जो ठीक है, कुछ म्यूजिक ट्रैक में अच्छा लगता है बट मुझे उतना ओवरऑल ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता तो उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बेस लवर है तो डेफिनेटली इसे ट्राई करें, बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। बाकी लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी इसमें है जो ठीक से वर्क करता है तो डे टू डे पे गेमिंग यूज में आपको अलग से वायर्ड ईयरफोन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा।
बाकी डे टू डे यूज के हिसाब से बैटरी बैकअप भी इसका ठीक है। कंपनी अप टू 36 आवर का प्लेबैक टाइम प्रॉमिस करती है चार्जिंग केस एंड ईयरबड दोनों को मिला के, एंड सिंगल ईयरबड से अप टू 7 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो प्रॉमिस करती है विदाउट एनसी। अगर एनसी है तो 25% आप जो है इसमें कम मान सकते हो, बट हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में प्रॉमिस किए गए नंबर से कम ही जो है वो रहता है। तो टोटल मेरे 2 डेज के टेस्टिंग के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 75% वॉल्यूम पे अप टू 20 आवर का प्लेबैक टाइम जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। सिंगल ईयरबड से आपको अप्रोक्स 3.1 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो मिल जाएगा, जो काफी लोगों को कम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। ज्यादा टेलर्स इतना ही बैटरी बैकअप जो है डिलीवर करते हैं। दिखने में तो बोट जो है 40 टू 50 आवर का प्लेबैक टाइम लिख देती है, बट ऐसा नहीं होता। डिसेंट है बैटरी बैकअप इसका एंड नॉर्मल यूजर के लिए इनफ है। बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो है ही इसमें, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बाकी माइक्रोफोन की बात करें तो अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो मैंने इसके माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड किया है। लाइक प्रीवियस नोटबर्ड्स इसका माइक्रोफोन भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत कम बैकग्राउंड नॉइज जो है ये कैच करता है। जस्ट मेरे बाजू में ही जो है मेरे पीसी जो उसके 4 से 5 फैन चल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो है आपको यहाँ पे नहीं सुनाई दे रही। तो अगर माइक्रोफोन का यूज़ आपको अगर ज़्यादा रहता है तो आपको इस ईयरबड से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फाइनली साउंड क्वालिटी की बात करें तो लाइक प्रीवियस नोट बर्ड्स इसमें भी आपको लार्ज 12.24 mm के जो है वो ड्राइवर मिलते हैं। साइज भले ही सेम हो बट साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है, मीन पहले से थोड़ा सा इंप्रूव है। SBCN AAC कोडेक ये सपोर्ट करता है। डोल्बी एंड डायरेक्ट ऑडियो सपोर्ट भी इसमें आपको मिलता है, बट वो डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सा है। अगर आपके पास OnePlus का कोई लेटेस्ट फोन है तो उसमें आपको जो है डोल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड अगर कोई लेटेस्ट ओप्पो रियलमी शाओमी का फोन है अगर आपके पास तो उसमें आपको डायरेक्ट का सपोर्ट जो है होता ही है, तो वो जो है आपको मिल जाएगा। बाकी साउंड क्वालिटी की डिटेल में बात करें तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी इस ट्यूबलेस ईयरबड की काफ़ी अच्छी है। प्राइस के कंपेयर में आप इसे जो है काफ़ी अच्छी कह सकते हो, एंड ये भी कह सकते हो कि अंडर 4,000 rupees ये ट्यूबलेस एंड रिसेंट जो लॉन्च हुआ ओप्पो एंको एयर 3 ये एक नया लेवल जो है यहाँ पे इस प्राइस में सेट कर रहा है। एंड ये अच्छी बात है क्योंकि टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए। ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हाई है, तो 70% वॉल्यूम भी जो है वो मोर देन इनफ होगा। इवन फुल वॉल्यूम पे भी इसकी क्लियरिटी जो है वो मेंटेन रहती है। एंड वन प्लस की जो लेटेस्ट हमने लास्ट 2-3 ऑडियो प्रोडक्ट्स देखे उसमें हमने देखा है कि इसकी ऑडियो ट्यूनिंग में बेस पे जो है वो ज़्यादा फोकस रखा है, एंड वो सेम चीज़ इसमें भी है। बेस का कंट्रोल जो है ऑडियो में ज़्यादा है। बेस हेड कहीं पे लिखा नहीं है बट वो है, एंड ओवरऑल ये अच्छा भी लगता है। जनरली मैं हाई बेस वाले ट्यूबलेस ईयरफोन जो है वो पसंद नहीं करता, बजट में तो बिल्कुल भी नहीं करता, बट इसकी ओवरऑल ट्यूनिंग मुझे अच्छी लगी। इवन वन प्लस जेड टू और बुलेट जेड टू में भी जो है बेस फोकस ऑडियो है, जो मुझे उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि मैं प्रॉपर वी शेप या फिर बैलेंस ऑडियो जो है वो पसंद करता हूँ, बट ये मुझे जो है अच्छा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो अगर आपको ऑडियो में बेस अच्छा लगता है तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको इससे बेटर ऑप्शन अभी जो है मार्केट में नहीं मिलेगा। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हाई बेस के वजह से दूसरे फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट जो है वो नहीं होते हैं। ज़्यादातर हाई बेस वाले बजट ईयरफोन में ऐसा होता है, बट अच्छे प्रोडक्ट की निशानी होती है कि उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। वोकल एंड ट्रबल भी जो है वो वेल बैलेंस जो है वो लगते हैं, एंड उनकी भी सही अमाउंट में प्रेजेंट फील जो है वो होती है। ट्रबल थोड़ा सा शार्प है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा तो है। जो मैं इस प्राइस रेंज के सारे बेस्ट सेलिंग ट्यूबलेस ट्राई करने के बाद यही कहूँगा कि ये एक इम्प्रूवमेंट ही जो है इसमें कहलाएगा। पॉप एंड रॉक म्यूजिक में ओवरऑल अच्छा फील जो है इससे मिल जाता है। हालांकि डाउनसाइड भी है कि मिड वोकल उतना क्लियर इसे जो है वो निकल के नहीं आता है, एंड अगर आप किसी फीमेल सिंगर की आवाज़ सुनोगे तो आपको थोड़ा इजीली पता भी चल जाता है। बट ठीक है, सब कुछ परफेक्ट जो है किसी में नहीं होता, और इस प्राइस में तो कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ओवरऑल एक स्मूथ एंड प्लेजेंट ऑडियो आउटपुट जो है इससे मिल जाता है, जो हर एक को पसंद भी आएगा। कंपैरिजन की बात करें तो अंडर 5,000 rupees 5 सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर जो है इसके है। एक है OnePlus Z2, Realme Air 3, Oppo Enco Air 2 Pro एंड Oppo Enco Air 3 एंड न्यू JBL Wave। अंडर 3,000 rupees डायरेक्ट एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो है Oppo Enco Air 3। दोनों की प्राइस सेम है बट दोनों को वैसे हम कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट ऑडियंस दोनों की जो है वो अलग है। ओप्पो एंको एयर 3 जो है वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड वो इससे ज़्यादा नेचुरल साउंड जो है वो ऑफर करता है, ज़्यादा बैलेंस जो है वो लगता है। तो अगर आपको बैलेंस एंड प्रॉपर वी से ऑडियो चाहिए तो आप उसे खरीद सकते हो। बाकी बेस ऑडियो पे आपका ज़्यादा फोकस है तो आप ये OnePlus Bud 2 जो है वो खरीद सकते हो। दोनों अंडर 3,000 rupees में फर्स्ट पोजिशन पे ही जो है वो रहेंगे। बाकी अंडर 5,000 rupees की बात करें तो OnePlus Bud Z2 डेफिनेटली इससे थोड़ा बेटर ऑप्शन है, प्राइस भी उसकी ज़्यादा है। इवन Oppo Air 2 Pro भी जो है इससे आगे ही रहेगा। Realme 8 3 से मुझे इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अच्छी लगी, तो दोनों का मैं सेम रैंक ही जो है वो दूंगा। बाकी JBL Wave की साउंड क्वालिटी तो अच्छी है बट कंफर्ट अच्छा नहीं है, तो वो मैं जो है उतना रिकमेंड नहीं करता। सो यस, आई थिंक आप कैसे हो है सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे इस प्रोडक्ट को लेके, एंड वीडियो काफ़ी लंबा भी जो है वो हो गया है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल जो है आपको इस प्रोडक्ट के लेके आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, या फिर आपको अगर कोई हेल्प चाहिए ट्यूबलेस खरीदने में तो आप हमारी वेबसाइट Geekman पे जाके जो है बेस्ट ट्यूबलेस की जो लिस्ट होती है वो चेक कर सकते हो। रोज हजारों लोगों को उस लिस्ट की हेल्प से लेटेस्ट एंड बेस्ट ट्यूबलेस जो है खरीदने में हेल्प मिलती है, आपको भी मिलेगी, तो एक बार जो है जरूर चेक करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।